किसी के साथ इखलाक से पेश आना अच्छा है। अकल दर्द करता है इस चीज को, जब ये अच्छा है और आप अच्छा अमल करते हो, इस फेल को अंजाम देते हो, तो सिर्फ और सिर्फ इस फेल को अंजाम देना तकवा नहीं है। तकवा ये है कि आप इसी अच्छे फेल को खुदा के लिए अंजाम दो, ये तकवा है। आप किसी बुरी चीज को, बुरे फेल को आप तर्क करते हो इसलिए कि आपका अकल कहता है कि ये बुरा है, आप उस चीज को तर्क करते हो, क्या ये तकवा है? और मालिक कह रहा है ये तकवा नहीं है, ये आपकी तबीयत हो सकती है, ये आपकी फितरत हो सकती है, तकवा नहीं है। तकवा ये है कि आप खुदा के लिए उस फेल को तर्क करो। से पूछा गया, ये बताइए तकवा क्या है? इरशाद हुआ तिलका अंदाज़ यजिब अल्लाह मानहा। तकवा ये है कि जिन उमूर से खुदा ने मना किया है तुम्हें, वहां तुम ना पाए जाओ, वहां से तुम दूर रहो। यानी वो अफआल इंसान अंजाम न दे जिनके बारे में हुक्म हुआ है कि इन अफआल से इंसान को दूर रहना चाहिए, ये तकवा। वजदक फीमा अमरक बिही, और वहां तुम्हें मौजूद होना चाहिए जिसका अमर तुम्हें हुआ है। यानी वहां मौजूद नहीं होना चाहिए जिससे तुम्हें मना किया गया है। एक मजलिस का एक बोल नाद है, मोमिन को न बायत वहां पर मौजूद होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर जाए तो वहां एतराज करे, एहतजाज करे खुदा के लिए, नहीं कि अपनी शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए कोई खड़ा होकर मिसाल कुछ भी कहते, ऐसा ना हो। खुलूस नियत से लिल्लाह खुदा व तआला के लिए, अगर आप ये देखते हैं कि इस मजलिस में, इस महफिल में मिसाल कोई ऐसा काम हुआ है जिससे खुदा और उसके रसूल ने मना फरमाया है, तो आपको वहां पर एहतजाज करना होगा, आपको वहां पर उठ खड़ा होना होगा। अगर नहीं रुक सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, आपको वहां नहीं होना चाहिए। अंदर या झुका आपको न पाया जाए, अल्लाह आपको वहां न पाए, जिन चीजों से आपको मना किया गया वहां ना पाया जाना या उन अफआल को ना करना, ये तकवा है।